बने रहने के लिए YouTube पे लाइव शिवट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। प्रखंड शिक्षिका को गोली मारकर हत्या। घटना देकुली के पास मुहाड़ी बांध के नजदीक शिवहर पिपराड़ी थाना क्षेत्र के देकुली के पास मुहाड़ी बांध के नजदीक एक महिला शिक्षिका को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलाही दुर्लभ मध्य विद्यालय में प्रखंड शिक्षिका के पद पर पल्लवी कुमारी कार्यरत थी। वह सीतामढ़ी से स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी अचानक देकुली के पास मुहाड़ी बांध के नजदीक किसी अज्ञात अपराधियों ने पेट में गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे अस्पताल लाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस बल पहुंच गया। घायल प्रखंड शिक्षिका पल्लवी कुमारी को सरोजा सीताराम अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मध्य विद्यालय बिलाही दुल्ला के शिक्षक आजम सहित कई शिक्षक पहुंचे। कथा उन्होंने बताया कि 2 महीना पहले ही तरियानी के सलेमपुर मध्य विद्यालय से तबादला होकर बिलाही दुल्ला मध्य विद्यालय में योगदान दिया था तथा वह पिछले 2 दिनों से विशेष अवकाश में थी। मृतिका पल्लवी कुमारी जो प्रखंड शिक्षिका थी, उनका घर सीतामढ़ी जिले के रीगा पोखर भिंडा बताया गया है। फिलहाल पुलिस तहकीकात में लग गए हैं। मृतिका के बड़े बड़े 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। देवकुली धाम से मुहारी जाने वाले रास्ते में पिपराई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला शिक्षिका है, ये अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी। इसका स्कूल बेलाही दुल्ला में हिरम्मा थाना अंतर्गत पड़ता है और इसी जाने के क्रम में लगभग 10:30 बजे के आसपास 3 अज्ञात अपराधकर्मी गोली मारकर भाग गए और जब इसको हॉस्पिटल लाया गया तो ये वहाँ पर मृत अवस्था में पाई गई है। अपराधकर्मी के पलायन की दिशा में हम लोग छापेमारी करवा रहे हैं और इनके परिजन आ रहे हैं। उनके आने के बाद फॉर्मल FIR रजिस्टर किया जाएगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आएगा उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है मृतिका का? पल्लवी नाम है इसका। ये सहियारा थाना अंतर्गत पोखरविंडा गांव की रहने वाली है, सीतामढ़ी जिले की। स्कूटी सवार थी? हाँ, स्कूटी से अपने स्कूल आ रही थी। ठीक।